दोस्तों आज कवर करेंगे जीव विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और दोस्तों आंसर्स को मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपका कोई प्रश्न छूटे ना। चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करें तो यह है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी अस्थि कोशिकाएं, डी यकृत कोशिकाएं। तो दोस्तों आपने साथ साथ आंसर लगाते हुए चले, 3 सेकंड आपके पास है, दीजिए आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मस्तिष्क कोशिकाएं। देखिए दोस्तों मानव शरीर में मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये हम देख लेते हैं। ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण और नियमन करता है, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मरण का कार्य शरीर में कौन करता है, तो आपको आंसर लगाना है मस्तिष्क, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से होता ही है कि मैं यहाँ से वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए माता के, बी पिता के, सी माता पिता दोनों के और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 सेकंड आपको मिलते हैं, अपना राइट ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि बच्चों का लिंग क्या होगा। यहाँ पर चित्र में देखेंगे दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पर पिता का है एक्स और माता का है एक्स, तो दोस्तों पुत्री पैदा हो रही है, ठीक है। अगर पिता का वाई होगा और माता का एक्स होगा तो दोस्तों एक्स वाई यानी कि एक पुत्र पैदा हो रहा है, ठीक है। तो माता का एक्स एक्स ही होता है लेकिन पिता में एक्स और वाई होता है। तो हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझ लिया है। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ आता है। इसी तरह के हम जीके ट्रिक्स भी लेके आते हैं, वो वीडियो भी देख लिया करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कराए जा रहे हैं। तो एक बार दोस्तों चैनल को देख लो पूरा रिव्यू करके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह है मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी पिट्यूटरी, डी प्लीहा। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन लगाइए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी पिट्यूटरी। देखिए दोस्तों इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है और ये होती है मास्टर ग्रंथि। अब इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों। पीयूष ग्रंथि के कार्य हैं वृद्धि, रक्तचाप, गर्भावस्था और प्रसव के कुछ पहलू, जिसमें प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन का उत्तेजन शामिल है, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्तन दूध उत्पादन, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन अंगों के कार्य, ठीक है। इसी ग्रंथि में होता है इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी कुछ समझ आता है, इसके साथ क्वेश्चन के साथ और भी फैक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर ले दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यह निम्नलिखित में बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए दुग्ध ग्रंथि, बी स्वेद ग्रंथि, सी अक्षु ग्रंथि, डी ये सभी। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी ये सभी। देखिए दोस्तों ये तीनों ही ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बाह्य स्रावी ग्रंथि जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं दोस्तों, ये वे ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद को ना किसी नाली या नलिका के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, ठीक है। जैसे कोई हार्मोन्स है दोस्तों वो बनाती है अपने अंदर है, लेकिन नाली के द्वारा कहीं और पर जाके सीक्रेट करती है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी है इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथि अपना उत्पाद सीधे रक्त में डाल देती है, यानी कि हार्मोन्स जिस पर है ना वो ब्लड में डाल देती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोनों चीजें हमने इसमें क्लियर कर ली है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी हो गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी ऑक्सीन और दोस्तों डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए
एस्ट्रोजन, देखिए दोस्तों एक स्त्रीलिंग हार्मोन है इनमें से, वो है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखेंगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन, दोस्तों प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है ये एस्ट्रोजन, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। यह महिला प्रजनन प्रणाली माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका कार्य भी हमने देख लिया, तो कार्य भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, इस तरह के एक्सप्लेनेशन में काफी कुछ समझ आता है और अगले आने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलता वर्धक। दोस्तों अपना राइट ऑप्शन यहां पर चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला, देखिए दोस्तों यहां पर चित्र में देख पा रहे होंगे बॉडी बिल्डर लेते हैं प्रोटीन, किस लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन क्या हो जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। चित्र के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यह प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है, ऑप्शन ए मटर, बी चना, सी सोयाबीन, डी हरी सब्जी। तो दोस्तों आपको 3 सेकंड मिलते हैं, अपना ऑप्शन लगाइए, फिर मैं आंसर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑप्शन सी सोयाबीन, देखिए दोस्तों सोयाबीन है ना, वो इन सब में से सबसे उत्तम स्रोत है किसका, प्रोटीन का। अब देखिए दोस्तों चने के, चना जो है उसके पास भी प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे उत्तम सोयाबीन होगा। और दोस्तों हरी सब्जी है उसमें आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, उसके अलावा विटामिन्स भी होते हैं कई सारे। दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सोयाबीन, ठीक है, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी अंडा वाहिनी में, सी अंड ग्रंथि में, डी योनि मार्ग में। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी अंडा वाहिनी में, देखिए दोस्तों निषेचन की क्रिया होती है अंडा वाहिनी में, तो ये ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडा वाहिनी में होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एक्सरे, बी गामा रे, सी अल्ट्रासाउंड, डी अल्ट्रावायलेट किरणें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली दे पाओगे, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अल्ट्रासाउंड। देखिए दोस्तों शिशु के विकास के लिए अल्ट्रासाउंड प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों, अल्ट्रासाउंड ये दोस्तों इस प्रकार की साउंड होती है जो हमें सुनाई नहीं देती है, हाई इंटेंसिटी होती है जो कि आपके शरीर के अंदर का चित्र ले लेती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी हो गई यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, ऑप्शन ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी बीजांडसन, डी अपरापोषिका। तो दोस्तों आप अपना राइट ऑप्शन लगाइए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी अपरापोषिका, देखिए दोस्तों अपरापोषिका के द्वारा भ्रूण में खाद्य की पूर्ति की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार के रेयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले इसी तरह का वीडियो लेटेस्ट पाने के लिए। दोस्तों क्विज से ही आपका जीके बहुत अच्छा हो सकता है, तो क्विज लगाते रहिए, तो चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।